नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। गलवान घाटी में चीन का कब्जा करने की रणनीति और भारत का चीन को मुंहतोड़ जवाब और अब औंधे मुंह चीन का गिरना, शी जिनपिंग की गाल पर करारा तमाचा है और उसी करारे तमाचे से दिल मिलाए चीन के राष्ट्रपति गाल सहलाते यूरोप के देशों से मिन्नतें मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि चीन की इज्जत बचा लीजिए। उसी कड़ी में डैमेज कंट्रोल के लिए चीनी राष्ट्रपति ने जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल को व्यक्तिगत तौर से फोन किया और भारत चीन तनातनी पर अपना पक्ष रखा। इसके साथ ही साथ चीनी राष्ट्रपति ने यूरोपीय यूनियन के नेताओं को भी फोन किया और पक्ष रखा, लेकिन चीन को कोई बातचीत से फायदा नहीं मिला। जर्मनी और यूरोपीय के नेताओं ने साफ तौर से चीन को ये समझा दिया है कि अब चलाकी नहीं चलेगी और चीन को यूरोपीय बाजारों से फायदा नहीं मिलेगा। इसके साथ ही साथ यूरोप और जर्मनी अमेरिका और चीन के पछड़े में नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं चीनी मीडिया, जो चीनी सरकार के कब्जे में है, उसने चीन और जर्मनी की वार्ता को काफी सराहा है और तारीफ के पुल भी बांध रहा है। लेकिन यूरोपीय यूनियन चीन से हांगकांग मुद्दे पर काफी पहले से नाराज है और उसी बीच चीन का ये कहना कि यूरोप से बातचीत सफल रही है तो इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। अब हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर चीन इतना शक्तिशाली है तो वो जर्मनी और यूरोपीय यूनियन के सामने क्यों गिड़गिड़ाया। क्योंकि हाल ही में चीन ने हांगकांग को सबक सिखाने और पूरी तरह से अपने कब्जे में रखने के लिए कई कानून बनाए, जिसका हांगकांग द्वारा विरोध किया जा रहा है। लेकिन चीनी पुलिस विरोध कर रहे लोगों को पकड़कर जेल में डाल रही है और यातना दे रही है और इसको लेकर पूरी दुनिया में विरोध जारी है और जर्मनी तो मुखर होकर चीन की आलोचना भी कर रहा है। और इसी बात को लेकर सामरिक मामलों के जानकार कह रहे हैं कि चीन को इसी बात से काफ़ी तकलीफ है, क्योंकि जब कुछ दिनों पहले चीनी विदेश मंत्री जर्मनी के दौरे पर थे और उसी के साथ चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग के मेयर ताइवान के दौरे पर थे और उसी को लेकर बर्लिन में चीनी विदेश मंत्री ने चेक रिपब्लिक को इसका खामियाजा भुगतना होगा। लेकिन ठीक चीनी विदेश मंत्री के बयान के बाद जर्मनी के विदेश मंत्री ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और कहा कि ये कोई खराब बात नहीं है और कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। तो अब समझ सकते हैं कि क्यों उल्टी गंगा के बहाने से चीन परेशान है और क्यों चीनी राष्ट्रपति फोन कर रहे हैं लेकिन फोन का भी फायदा उन्हें नहीं मिल रहा और इसी वजह से चीन काफी परेशान है और हताश है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है।